बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्रॉक डिज़ाइन है। ये बनी है 4 से 5 साल तक की बच्ची की बेबी फ्रॉक है। तो देखें, मैं इसका मेथड आपको समझा देती हूँ। इसके लिए आपको तकरीबन 1.5 से 2 मीटर गज कपड़ा चाहिए होगा, 1.5 मीटर और 2 गज तकरीबन इतना कपड़ा चाहिए होगा। या तो आप 1.5 मीटर ले लें या फिर गज के हिसाब ले लें तो फिर 2 गज ले लें। ये दो मैंने पीस करके रखे हुए हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। ये बैक साइड है, बैक साइड हमने लिए 26 इंच की लंबाई है इसकी और तकरीबन 12 इंच इसकी चौड़ाई है। डबल करके कपड़े को हमने डबल करा हुआ है। और ये फ्रंट पीस है, फ्रंट साइड को हमने लंबाई हमने ली है इसकी 23 इंच, 23। तो ये तकरीबन बैक साइड से 3 इंच कम है और चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ली है 17 इंच है इसकी चौड़ाई डबल करके। ये देखें, तो यानी अगर हम इस कपड़े को पूरा खोलेंगे तो ये 34 इंच होगा, 34 इंच। अब ये बैक साइड है, हम इसकी कटिंग करेंगे पहले। तो कटिंग के लिए हम जो बच्ची का नाप है उस हिसाब से हमने लिए 5.5 इंच हमने इसके शोल्डर लिए है। फोल्डिंग हिस्सा हमने अपनी साइड पे रखा है। और जिस तरह से हम छोटी बच्ची की आर्म होल का लेते हैं, इस तरह से हमने लिया है 5.5। इसकी हमने चौड़ाई रखी है और इसकी लंबाई हुई आर्म होल की 6 इंच है और इसकी चेस्ट साइज़ जो है वो 7 इंच है। एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है हमें 1.5 इंच इसकी बॉडी लेंथ नापेंगे हम। 10 इंच बॉडी लेंथ होती है छोटे बच्चों की। और फिर हमने इसकी कमर का साइज़ हमने रखा है 6 इंच। इनको आपस में मिला देंगे निशानों को और फिर जो कमर का साइज़ हमने रखा है उसको लेके डायरेक्ट हम दामन पे निशान लगाएंगे, दामन के कॉर्नर पे। एक हमने सिलाई का निशान लगाया है, एक हमने कटिंग का निशान लगाया है। ये कटिंग का निशान है, यहाँ से हम कटिंग करेंगे। और दामन के कॉर्नर पे हमने 1 से 1.5 इंच तकरीबन देकर गोलाई कर देनी है ताकि कोने नीचे ना गिरे। ये देखें इस तरह से, और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। ये बैक साइड है, शोल्डर को हमने थोड़ा सा तिरछा जिस तरह हम काटते हैं इस तरह से कटिंग कर लिया। अब हम फ्रंट पीस लेंगे। फ्रंट पीस को हमने इस तरह से बिछा लिया है। जो फोल्डिंग हिस्सा है वो हम अपनी साइड पे रखेंगे और जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा है वो हम सामने की तरफ रख के इसको सिर्फ हमने दामन से मिलाना है, उस कॉर्नर से लेकर और इस कॉर्नर तक पूरा। और ऊपर जितना भी इसकी लेंथ निकल रही है बैक साइड की उसको ऊपर की तरफ निकाल देंगे। बाकी हमें नीचे से दामन और कॉर्नर मिलाना है, ये ठीक है। और बाकी जितना शोल्डर आ रहा है इसकी, ये हाफ शोल्डर कटेगा इसका और बाकी फिटिंग बिल्कुल वैसी ही आएगी सेम जिस तरह से हमने बैक साइड की काटी है। बाकी ये हिस्सा सब इसका चुनों में जाएगा, प्लेटें डालेंगे यहाँ पर। तो ये अभी आपको आगे जब मैं समझाऊँगी तो समझ में आ जाएगा। तो फिर हमने एक पीस लेना है, ये डबल करके हमने पीस लिया हुआ है। तकरीबन इसकी लंबाई जो है वो 13 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच है। अब इसको हम डबल कर लेंगे इस तरह से, तो ये हमारे पास 4 पीस हो गए। तो अब इनको हमने बैक साइड पे हमने जिस तरह से हम क्या कहते हैं कमीज़ के ऊपर कमीज़ रख के कटिंग करते हैं, हमने उस तरह नहीं काटना है इसको। जिस तरह से ये कमीज़ के ऊपर कमीज़ रख के कटिंग करते हैं इस तरह नहीं काटना हमने। हमें इसके शोल्डर की जितनी भी हमारी गोलाई है इसको पूरा लेना ही। देखिए जितनी गोलाई है पूरी गोलाई इस पर फिक्स आ जाए इस तरह से हमने इसको रखना है। ये देखें, पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। 3 से 4 इंच कपड़ा हम इधर रहने देंगे और ये 2 इंच का जो है ये हमने गले की चौड़ाई छोड़ के हमें कपड़ा रखना है।
चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ये देखें, अब ये गोलाई शोल्डर कट गई है इसके। फिर हम इसको 3-3 इंच के हिसाब से हम इस पर गोलाई से निशान लगा लेंगे। यहाँ पे जिस तरह से शोल्डर कटिंग हुआ हुआ है बिल्कुल इसी तरह से हम निशान लगा लेंगे इसके ऊपर। ये हमारे पास 4 पीस हैं, ये याद रखिएगा कि ये 4 पीस हैं, 2 एक साइड के हैं, 2 एक साइड के हैं। तो ये मैं भी आपको सीऊँगी तो फिर मैं आपको बता दूँगी। ये देखिए, ये इस तरीके से ये आएंगे और बीच में जो कपड़ा हमने ज़्यादा लिया है ये सारा चुनों में और प्लेटों में आ जाएगा कपड़ा जितना भी है। मेरा चैनल अभी नया है तो प्लीज़ इसे सपोर्ट भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा अपने तमाम रिश्तेदारों में, अपने दोस्त अहबाबों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो सकें और मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ आपके लिए। तो ये हमारे लिए हौसला अफज़ाई होती है। आप लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, एक कमेंट कर दिया करें। अगर कोई चीज़ अच्छी लगे, प्यारी लगे तो प्लीज़ उसको कमेंट ज़रूर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। इसमें कुछ नहीं होता, बस सिर्फ हमारी हौसला अफज़ाई हो जाती है और हमें इतना पता चल जाता है कि हमने जो मेहनत की है वो वसूल हो जाती है। ये गले का अगर हमें गहराई रखनी है तो हमने गोल कर देना है, और अगर सीधा रखना है तो फिर इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। और आप चाहें अगर हमें जब हम प्लेटें जमा लेंगे तो हम गले की कटिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और ये दोनों साइडों पे इस तरह से लेस लगेगी। अभी मैं लगा के आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, इधर भी सिलाई लगाएंगे इसको अलग से, फिर हम इसमें ज्वाइन करेंगे। और इसमें प्लेटें देके हमने इसको इतनी चौड़ाई रखनी है कि ये पीछे के बैक साइड से तकरीबन 3 इंच नीचे का जो कपड़ा है उसके बराबर आए ये हिस्सा। ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स हमने रखी हैं 8 इंच, इसकी लंबाई 8 इंच के लिए हमने। मेरे चैनल पे और भी बहुत अच्छी अच्छी फ्रॉकों की वीडियो मौजूद हैं, आप चाहें तो आप विज़िट करें, देख सकते हैं। ट्राउज़र डिज़ाइन है, नेक डिज़ाइन है, तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाती रहूँगी। और सपोर्ट कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, मैंने 4 पीस लिए थे ना, तो अब इसमें से 2-2 पीस हम लेंगे। दोनों पीसों के इस साइड पे हमने सिलाई लगानी है, शोल्डर वाली साइड पे नहीं, दूसरी साइड पे जो गले वाली साइड है उस पे पूरी हमने गोलाई से सिलाई लगा देनी है। एक दोनों पे सिलाई लगा लेंगे हम, फिर इसे हम कट लगा के इसको पलट देंगे। ये देखें, अब ये पलट देना, अब आपकी समझ में आ गया होगा। फिर इस पे लेस लगा देंगे हम। ये देखें, अब लेस लग चुकी है इस पे। बस फिर हमने शोल्डर, ये इसको कपड़े को बिछा के फ्रंट पीस को, फिर हमने शोल्डर का निशान लगाना है। फिर हमने वहाँ से प्लेटें देना शुरू करेंगे हम। यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे, ये देखें मार्क करके चौक से। बस फिर हमने यहाँ पे 4 प्लेटें आएँ या 5 या 6 जितनी भी आप दे सकते हैं। आप चाहें तो आप गेजिंग वाली जो चुने होती हैं वो भी दे सकते हैं। बस इस पे एक हम हल्की सी पट्टी लगा के और इसको मोड़ देंगे। और पीछे के बैक साइड से ज़रूर नाप लीजिएगा कि ये उसके बराबर आ रहा है या नहीं। ये देखें, छोटा बड़ा ना हो। और फिर इसके शोल्डर को यूँ रख के भी देखेंगे हम कि ये इसके, देखें बिल्कुल कमीज़ की शेप आ गई है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बस इसमें जहाँ हमने प्लेटें ली हैं वहाँ पर हम एक पट्टी लगा के, 2 इंच चौड़ी पट्टी लगा के हम बस सिंपल इसको मोड़ लेंगे यहाँ पे और इसके ऊपर हम लेस लगा देंगे। छोटी छोटी बच्चियों की इस तरह से अच्छे डिज़ाइन वाले सियो तो अच्छी लगती हैं बच्चियाँ, और ये सीने में मज़ा भी बहुत आता है नए से नए डिज़ाइन बनाने में। बस इस पे हम लेस लगा देंगे, बस इतने ही हिस्से पे लेस लगाएंगे जो हिस्सा हमें नज़र आएगा गले में। बाकी हिस्सा, साइडों का हिस्सा जो है वो शोल्डर के जो हम पार्ट लगाएंगे उसमें वो छुप जाएगा। ये देखें, पिनों से हमने इसको अटैच कर लिया है।
बस इस पर सिंपल हमें यहाँ पे सिलाई लगा के इसको पक्का कर देना है। बैक साइड मैंने तैयार कर लिया है, स्लिप्स भी मैंने इसकी तैयार करके रखी हुई हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, इन दोनों को गलों को मिला के बराबर करके जो एक्स्ट्रा होगा वो हम कटिंग कर देंगे। ये इसका बैक साइड है, बैक साइड सिंपल हम जिस तरह से तैयार करते हैं इस तरह से तैयार कर लिया है। बस सिंपल इसको रख के इसके शोल्डर हम ज्वाइंट कर लेंगे। स्लीव्स लगा के स्लीव्स इसके अंदर ज्वाइन कर लेंगे, जिस तरह से हम शर्ट पे स्लीव्स लगाते हैं इस तरह से। मैंने हल्की सी कफों पे चुने देकर और लेस लगा दी है, ये देखिए इस तरह से बस इसके अंदर लगा के। और सिंपल हम जैसे फिटिंग पे हम सिलाई लगाते हैं इस तरह से बस हम सिलाई लगा देंगे नीचे तक, और दामन को मोड़ के इस पर हमने लेस लगा दी नहीं है, और ये ज़बरदस्ती फ्रॉक सिल्क तैयार हो जाएगी। ये देखें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लग रहा है, ये सिलने के बाद बहुत खूबसूरत लग रही है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। ये प्लेटें मैंने इस्त्री से जमा दी हैं, ये देखें ये सब बहुत खूबसूरत लग रही है फ्रॉक, नया स्टाइल है ये। लेस आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कोई सी भी, ये लॉन फैब्रिक थी तो आप चाहें तो ये जॉर्जेट पे भी बना सकते हैं। अभी गर्मियां हैं तो गर्मी के हिसाब से मैंने लॉन पे बनाया है ये। तो चलती हूँ मैं, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।